17 महीने के बाद आम श्रद्धालुओं को भस्म आरती में अनुमति आखिर प्रशासन द्वारा मिली गई। इसको लेकर आज करीब 700 भक्त भस्म आरती में शामिल हुए और महाकाल प्रांगण जयकारों से गूंज उठा। महाकालेश्वर मंदिर 17 महीने बाद भस्म आरती में जयकारों से गूंजा। शनिवार को भस्म आरती में 696 भक्त शामिल हुए। शासन ने आज से भस्म आरती में श्रद्धालुओं को प्रवेश की अनुमति दे दी है। वे परिसर में तो प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन नंदी हॉल में नहीं जा सकते। दिल्ली, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश सहित कई जगहों से महाकाल के सामने शीश झुकाने पहुंचे श्रद्धालुओं ने सुख समृद्धि के साथ ही कोविड से मुक्ति के लिए भगवान श्री महाकालेश्वर से प्रार्थना की। हाँ जी, मैं बिहार से हूँ। पहली बार मैं बाबा की महाकाल की नगरी में आया हूँ और आज ही जो है से शुरू हुआ जो है से भस्म आरती में का आनंद उठाया। बहुत ही सुखद आनंद पाया बाबा की नगरी में। आज सुबह 4 बजे मंदिर के पट खुलने के साथ ही लोगों को प्रवेश दे दिया गया। गेट नंबर 4 से आम श्रद्धालु व गेट नंबर 5 से प्रोटोकॉल वाले श्रद्धालु को प्रवेश दिया गया। सभी के अनुमति पत्र को चेक करने के लिए मंदिर समिति ने प्रवेश द्वार पर ही व्यवस्था कर रखी थी। हालांकि 1000 भक्तों के प्रवेश व बैठने पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पर्याप्त रूप से नहीं हो सका। भीड़ को इकट्ठा करके छोड़ा गया। इसे एक कतार में भक्त गणेश मंडपम वही कार्तिकेय मंडपम तक पहुंच पाए। आज करीबन 1 से 1.5 साल बाद में कोरोना की महामारी जाने के बाद आज दूसरी लहर के बाद बाबा की जो ये भस्म आरती का प्रोग्राम जो वापस से शुरुआत की गई है और हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि पहली भस्म आरती जो इतने समय बाद में शुरू हुई और हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमने यहाँ करके बाबा के दर्शन करें। महाकालेश्वर मंदिर के सहायक प्रशासक मूलचंद जुनवाल ने बताया कि भस्म आरती में भक्तों का उत्साह देखने लायक था। 50% क्षमता के साथ श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया गया। शनिवार को हुई भस्म आरती में 696 लोगों को अनुमति दे दी गई। किसी भी श्रद्धालु को गर्भगृह में जाकर जल चढ़ाने की इजाजत नहीं दी गई। सुबह 4 बजे श्रद्धालु के महाकाल मंदिर में प्रवेश करते ही परिसर जयकारों से गूंज उठा। 18 महीने बाद भस्म आरती स्टार्ट हुई है। हम 18 महीने बाद भस्म आरती में आए, हमें बहुत अच्छा लगा। और आरती में जो एकदम से लाइट भागती है उसका आनंद अलग ही है। आरती का आनंद लेना अलग ही अनुभव है। बाबा महाकालेश्वर को सभी पंडित पुजारियों ने नियम अनुसार जल चढ़ाया। इसके बाद दूध, घी, शहद, शक्कर एवं दही से पंचामृत अभिषेक किया। अभिषेक के बाद बाबा का श्रृंगार कर भगवान महाकाल को भस्म रमाई गई। करीब 1 घंटे चली भस्म आरती के बाद बाबा का चंदन, फल एवं वस्त्र से विशेष श्रृंगार किया गया। कोविड के कारण इतने टाइम बाद दर्शन चालू हुए तो आज आत्मीयता से बहुत प्रसन्नता हुई और इतने अच्छे दर्शन, इतने अद्भुत दर्शन जो हुए वो सब ऊपर वाले की कृपा। भस्म आरती दर्शन चालू किए गए है जो कि बहुत ही हर्ष एवं उल्लास का विषय है। बाबा महाकाल सभी विश्व का कल्याण करे। जय श्री महाकाल।